बट मेरे से हुआ ही नहीं बिल्कुल। पर कैमरा अलाउड नहीं है, मतलब यू कांट मेक वीडियोस। बट रिसेंटली मैं जब उस जगह के बारे में पढ़ रही थी तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि मंदिर का जो बाहरी हिस्सा है वहाँ पर दिस प्लेस, ओह माय गॉड। ओके, आई लुक रियली बैड बट दैट्स फाइन। आज है संडे 19th ऑफ दिसंबर और आई डोंट नो व्हाई माय हेयर इज लुकिंग लाइक दिस। सो आज है संडे 19th ऑफ दिसंबर और पता ही नहीं चला यार ये साल पूरा कैसे निकल गया। फील्स लाइक अभी अभी जनवरी आया था, अभी अभी ये साल स्टार्ट हुआ था और अभी दिसंबर आ गया। एनीवेज आज है, सो अभी बज रहे हैं 2:30, ऑलमोस्ट 2:25 हुए हैं। आई वॉज प्लानिंग टू स्टार्ट अ व्लॉग बट देन इतना ज़्यादा काम था आज, मुझे बहुत सारी एडिटिंग करनी थी, बहुत सारा घर का काम करना था एंड ऑल्सो आई वॉज नॉट फीलिंग वेल बिकॉज ऑफ माई स्लिप डिस्क प्रॉब्लम। अभी क्योंकि विंटर है तो इतना ज़्यादा पेन हो रहा था मेरा लोअर बैक, तो आई वॉज जस्ट नॉट एबल टू डू एनीथिंग, मतलब बहुत ही पॉज ले लेके मैं काम कर रही थी। सो दैट्स वाई आई डिडंट फिल्म एनीथिंग। बट अभी क्योंकि संडे है और पूरा दिन मैं घर पर बैठी हूँ तो आई वॉज जस्ट प्लानिंग टू गो आउट। आई रियली लुक so okay, I don't know why it's itching so much my skin and also you can see यहाँ पे पता नहीं कुछ इंसेक्ट ने बाइट कर लिया और मैंने उसको अच्छे से लाइक यू नो स्क्रैच कर दिया बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और बिकॉज ऑफ दिस आई डिडंट डू एनी मेकअप। सो आई वॉज जस्ट प्लानिंग टू गो आउट समवेयर, एक्चुअली एक जगह जाने वाली मैं, वैसे तो एक छोटा सा टेम्पल है और इस जगह की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो टेम्पल है ना यहाँ पे कोई भी आइडल नहीं है, मतलब कोई मूर्ति नहीं है, किसी तरह की पूजा नहीं होती है, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो आई वॉज जस्ट प्लानिंग टू गो देयर और एक और भी रीज़न है वहाँ जाने का, मतलब मैं अभी तक कुछ नहीं तो उस जगह पे 2 से 3 बार जा चुकी हूँ बट रिसेंटली मैं जब उस जगह के बारे में पढ़ रही थी तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि मंदिर का जो बाहरी हिस्सा है वहाँ पर बहुत ही इरोटिक मेल एंड फीमेल की मूर्तियाँ बनी हुई है। आई वॉज लाइक कि मैंने क्यों नहीं देखा जब मैं गई थी, लाइक मैं लिटरली 2 से 3 बार जा चुकी हूँ एंड बिकॉज ऑफ दिस माई फ्रेंड्स कॉल मी डम्ब बिकॉज वेन एवर दे क्रैक समथिंग लाइक नॉन वेज जोक आई वुड नेवर गेट इट, तो आई एम लिटरली डम्ब एंड मुझे नहीं पता लाइक मैं गई हूँ, आई हैव अप्रिशिएटेड दैट प्लेस सो मच बट मैंने क्यों नहीं देखा या फिर ऐसे ही लिखा हुआ है। सो जस्ट टू कन्फर्म मैं फिर से आज जा रही हूँ, सो आई जस्ट गेट रेडी, आई एम नॉट गोना पुट मेकअप बिकॉज ऑफ दिस, आई जस्ट ट्राई टू लुक प्रेजेंटेबल बिकॉज करंटली आई एम लुकिंग लाइक अ मेस, दैट इज व्हाट आई एम। आई एम जस्ट गोना स्ट्रेटन अप माई हेयर लिटिल बिट क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा मेसी लग रहा है। I got ready और this is the outfit. I'm wearing this black sweater top which is from the brand Roadster, I guess, and this jeans. This is by I think Flying Machine. Flying Machine की jeans मुझे बहुत अच्छी fit आती है, you can see it's so well fitted and body hugging. मुझे इस तरह की jeans काफ़ी पसंद and there is this pattern going on. So आते वक्त डेफिनेटली थोड़ी सी ठंड होगी तो मैंने इसलिए ये स्वेटर टॉप पहन रखा है एंड आई विल ऑल्सो टेक माई जैकेट, बट लुक एट दिस, मतलब अभी शाम को इतनी ज़्यादा ठंड होती है और यहाँ से जो ठंडी हवा जाएगी ना अंदर पर वो कहते हैं ना कि जान जाए बट फैशन ना जाए। सो अगेन लेट मी जस्ट शो यू माई मेकअप, दिस इज हाउ आई लुक। आई रियली डोंट लाइक डूइंग मेकअप दीज डेज, मतलब मेकअप करना इज़ लाइक अ टास्क फॉर मी। आई हैव जस्ट अप्लाइड माई क्या बोलते हैं उसको, मॉइस्चराइजर, आईब्राउज एंड मस्कारा एंड लिपस्टिक, दैट सेट फॉर माई मेकअप और हेयर लुक्स नाइस डिसेंट। आई जस्ट ट्राई टू डू दैट कर्ल विद स्ट्रेटनर बट मेरे से हुआ ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ, सो आई जस्ट गिव अप एंड आई जस्ट स्ट्रेटन माई हेयर लिटिल बिट। सो आई हैव टू स्टार्ट एट 3:30 क्योंकि जल्दी जाएंगे, 5 बजे बंद हो जाता है आई गेस, तो फटाफट से मैं चाय पीऊंगी या फिर पता नहीं चाय बाहर पी लेते हैं, देखते हैं, लेट्स सी, लेट्स गो।
दिस प्लेस, ओह माय गॉड, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। पता नहीं मैं यहाँ शायद एक दो साल के बाद आ रही हूँ एंड आई एम टोटली लविंग इट। मतलब संडे को यहाँ आ जाओ ना, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। ओके सो हम थोड़ा आगे जाएंगे एंड देन आई ऑल्सो वांट टू क्लिक फ्यू पिक्चर्स, बट मैं अपना बड़ा वाला ट्राईपॉड लेके नहीं आई हूँ, सो लेट्स सी। सॉरी मैं बिल्कुल इस प्लेस की जो बोलते हैं ना खूबसूरती में खो गई थी। सो ये जो मंदिर है इसको इंद्रेश्वर टेंपल भी कहा जाता है, बट इसे राजा रानी टेंपल इसलिए कहते हैं कि ये जो स्टोन यूज हुआ है ना उसको बनाने के लिए, दिस येलोइश ब्राउन स्टोन, तो इसे लोकली राजा रानी कहा जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट इस टेम्पल को राजा रानी टेम्पल भी कहा जाता है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सनसेट, क्योंकि सनसेट यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। कैन यू सी देयर? सो यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, मतलब यू कांट मेक वीडियोस, यू कैन जस्ट यू नो टेक पिक्चर्स। तो मैंने कैमरा अंदर रख दिया एंड नाउ आई एम फिल्मिंग विथ माई फ़ोन। दे सेड कि आप फ़ोन से कुछ भी कर सकते हो बट जस्ट डोंट यूज़ कैमरा। इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट, क्योंकि ना तो यहाँ पर ट्राईपॉड अलाउड है ना पे कैमरा अलाउड है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अपनी फ़ोटोज़ कैसे क्लिक करूँ, वीडियोज़ कैसे बनाऊँ, मतलब हाथ में पकड़ के फ़ोन बनाना पड़ रहा है। और मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करूँगी बट कैमरा नहीं यार, कैमरा नहीं तो फ़ोन के साथ एटलीस्ट ट्राईपॉड तो दे देते, मैं कहाँ पर फ़ोन टिका के कर सकती हूँ पता नहीं यार। ठीक है, ये जगह बहुत अच्छी है, कभी कभी थोड़ा टाइम फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ के परे खुद के लिए भी निकालना चाहिए। हो इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, कैन यू सी? Trying to film from the back camera so that the quality will be little nice, क्योंकि मैं फ्रंट कैम से फिल्म कर रही थी। I'm just trying to film from the back camera and this place is so gorgeous. I really want to come here again and again, मतलब संडे को जब भी मुझे ऑफ मिले so I can just come here. This is very peaceful. I don't want to go back. अगर वो कैमरा अलाउ करते ना तो मैं इतनी सारी पिक्चर्स क्लिक करती यहाँ की, इतनी सारी पिक्चर्स क्लिक करती, थारा भाई जोगिंदर इतने पिक्चर्स क्लिक करेगा, इतने पिक्चर्स क्लिक करेगा। दैट वॉज क्रिंज। इट्स टाइम टू गो बैक होम, क्योंकि ऑलरेडी 5 बजने वाले हैं। मुझे लगा था ये जगह
पाँच बजे बंद हो जाती है, बट दे सेड कि 9 बजे तक खुली रहती है. सो दैट्स अ गुड थिंग, बट आई रियली वांट टू गो बैक हैव सम फूड, क्योंकि आज मैंने लंच नहीं किया. आई जस्ट हैड माय ब्रेकफास्ट एंड आई एम सो हंग्री. तो वी विल गो बैक नाउ, लेट्स गो. सो इट्स टाइम टू गो बैक एंड आई एम जस्ट प्लानिंग टू हैव सम पराठा. एक शॉप है, एक आंटी की शॉप जहाँ पे वो बहुत यम्मी यम्मी से पराठे बनाती है. सो आई विल गो देयर, हैव माय पराठा एंड घर पे आइसक्रीम रखी हुई है. सो यस लेट्स गो. सो लेट्स से बाय टू दिस प्लेस. बाय बाय. वैसे आज मैं अच्छी लग रही हूँ. ब्लैक मेक्स मी लुक ब्यूटिफुल एंड वाइट मेक्स मी लुक फैट. सो इसलिए मैं ज़्यादा वाइट नहीं पहनती, मैं ज़्यादा ब्लैक पहनती हूँ. ये था राजा रानी टेम्पल. और एक बात मैं आपको बताना ही भूल गई कि ये 11th से 12th सेंचुरी के बीच में बना है, तो दिस इज़ लाइक वेरी ओल्ड टेम्पल. आई नीड टू स्विच ऑफ माई फ्रिज, बहुत आवाज़ करता है. सो आई एम बैक एंड आई रियली एन्जॉयड द डे, बट मैं थोड़ा सा टायर्ड हो गई हूँ. थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ. और ओके लेट मी जस्ट सेट, मेरे पैंट की हालत देखो. आज मुझे खाने के लिए इतना ज़्यादा घूमना पड़ा. मुझे एक्चुअली पराठे खाने थे. एक आंटी है, शी मेक्स लाइक यम्मी पराठास. तो मैंने सोचा कि वहाँ पर जाके मैं थोड़े से पराठे खाऊँगी. और हाथ में दर्द, तो मैंने सोचा कि वहाँ पर जाके मैं थोड़े से पराठे खाऊंगी और थोड़ी चाय पीऊँगी और फिर घर आ जाऊँगी. बट मैं जब वहाँ पहुँची तो उनका शॉप बंद था. फिर मैंने सोचा कि ठीक है, हम जाएंगे ग्रेजुएट पानीपुरी वाले के यहाँ और वहाँ से खाएंगे पानीपुरी. सो देयर इज़ दिस पानीपुरी वाला, उसका जो ठेला होता है ना, उसका नाम है ग्रेजुएट पानीपुरी वाला. तो फिर जब मैं वहाँ पहुँची तो वो भी आज बंद था. मुझे पता नहीं ये संडे को ये लोग बंद क्यों कर देते हैं. लाइक संडे को ही तो सभी कोई घूमने निकलते हैं, बाहर निकलते हैं. और जो भी यू नो वीकडेज में तो जॉब ही रहता है. और यहाँ पे उड़ीसा में तो ऐसा नहीं कि 5 days वर्किंग होता है. मोस्टली लाइक मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे हैव 6 days वर्किंग. तो अगर आप कहीं फिर संडे को बाहर निकलो तो संडे को सब बंद ही रहता है. तो फिर पता नहीं, मज़ा नहीं आता. फिर मैं गाड़ी घुमा के फिर से वापस आई एंड देन आई वेंट टू अ प्लेस. वहाँ पर मैंने छोले भटूरे खाए एंड दैट वाज अ मिस्टेक. एक्चुअली मेरे को कुछ हल्का खाना था, बट देन आई ऑर्डर्ड छोले भटूरे बिकॉज आई लव छोले भटूरे. और मैं बस एक ही भटूरा खा पाई एंड देन थोड़ा सा छोले, बिकॉज मेरे को वर्कआउट भी करना है. आज सुबह मैंने वर्कआउट स्किप कर दिया था, तो उतना हैवी खा के फिर वर्कआउट नहीं कर पाती. सो आई जस्ट हैड वन भटूरा. और मैंने फिर चाय ऑर्डर करी, तो चाय भी इतनी अच्छी नहीं थी. अच्छी नहीं थी क्या, मतलब गंदी ही थी चाय. तो फिर मैंने नहीं पी, तो अभी मैं चाय पीऊँगी. और हाँ, मैंने मिठाई खाई रसमलाई, वो बहुत यम्मी था, वो बहुत ही डिलीशियस था. सो मैंने फिर रसमलाई खाई. सो दैट वाज द एंटायर डे. तो ओवरऑल इट वाज एन अमेजिंग डे. और एंड अभी फ़िलहाल आई एम गोना स्टॉप व्लॉगिंग. मैं चाय पीऊँगी, आई डू माई वर्कआउट एंड देन आई स्टार्ट एडिटिंग एंड ऑल. सो या आई होप यू एन्जॉय दिस टाइनी व्लॉग. अब कितना टाइनी होगा मुझे नहीं पता, वो तो एडिट करने के बाद ही पता चलेगा. बट या आई जस्ट होप दैट यू एन्जॉयड दिस व्लॉग. एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना. एंड आई सी यू सून. बाय बाय.